ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। Hello and good evening to everyone. I am going to start from the first unit of first book of economics, that is statistics for economics. सभी को शुभ संध्या। मैं economics की जो पहली book है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी उसके पहली unit से मैं start करने जा रहा हूँ and the first unit is introduction. पहली unit का नाम है परिचय। So first we will study what is the concept of economics and why statistics is studied in economics. Our subject is economics, then what is the use of statistics, why we are studying statistics here. हम पहले इस चैप्टर में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और ये स्टैटिस्टिक्स को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो तो इकोनॉमिक्स है, फिर हम ये स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी आर स्टडिंग दिस हेयर। तो फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की अवधारणा। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन दिस डेफिनेशन अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने ये अर्थशास्त्र के बारे में परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। हेयर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स रूटीनली वर्क ऑफ लाइफ, डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, रूटीनली बिजनेस ऑफ लाइफ और रूटीनली वर्क ऑफ लाइफ। तो इन इकोनॉमिक्स वी स्टडीज अबाउट द रूटीनली एक्टिविटीज, रूटीनली वर्क, वाट एवर वी डू इन अवर डेली लाइफ, दैट थिंग्स आर स्टडीड। हेयर वी स्टडी हाउ द ह्यूमन बिहेवियर इज चेंजेज, हाउ ह्यूमन बिहेवियर एक्ट्स बिहेव्स, हाउ ए ह्यूमन ए पर्सन बिहेव्स इन डिफरेंट सिचुएशन इन हिज डेली लाइफ। यहाँ हमें पढ़ना है मनुष्य का जो व्यवहार है उसकी डे टू डे लाइफ, मतलब डेली एक्टिविटीज से संबंधित जो साधारण व्यापार है। यहाँ पे व्यापार का मतलब है जो उसका बिहेवियर या उसका जो डेली वर्क है उससे मतलब है। यहाँ पे व्यापार का मतलब बिजनेस वाला व्यापार नहीं, यहाँ पे व्यापार का मतलब उसका जो एक्टिविटी है, बिहेवियर है, उसकी स्टडी करना है। सो व्हाट आर दीज डेली एक्टिविटीज, डेली यू ईट समथिंग, you buy something, you sell something. As the agent of economy, we perform some activities from our childhood to the age of an elderly person. We have to perform many activities that are related टू द economics. हम अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं जैसे कि कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कुछ खाना पीना, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं उन्हीं को हम अध्ययन करते हैं। हाउ वी मेक्स अवर डिसीजन इन दीज एक्टिविटीज, दीज आर द थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। हम इन सब बातों में अपने निर्णय कैसे लेते हैं जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, यही सब चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज consumption means the process of using of utility value of goods and services. उपभोग का मतलब है किसी भी वस्तु या सेवा में जो भी उपयोगिता है उसको खत्म करना, उसको यूज करने ला। मीन्स लाइक वी आर हंग्री एंड वी नीड टू ईट समथिंग, देन वी गेट सम फ्रूट एंड इफ द फ्रूट satisfies our want, then we will say that it has utility. And when we have eaten the fruit, means we have used up the utility of fruit. अगर हमें जैसे भूख लगी है तो हमें कोई फ्रूट मिल गया खाने के लिए, अगर ये फ्रूट से हमारी भूख खत्म हो सकती है तो हम कहेंगे कि ये फ्रूट जो है वो हमारी जो उपयोगिता, मतलब फ्रूट की जो उपयोगिता थी हमारी भूख खत्म करना,
उस उपयोगिता को हमने ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया, उसको खा के। हमने फूड खाया तो उसकी जो यूटिलिटी मीन्स जो उसका वर्क था वो ख़त्म हो गया, जो उसकी ज़रूरत थी जिस काम के लिए था वो ख़त्म हो गया। व्हेन वी हैव ईटन द फ्रूट इट्स यूटिलिटी हैड एंडेड, मीन्स देयर इज नो यूटिलिटी। व्हेन यू हैव कम्प्लीटली ईटन द फ्रूट देन देयर विल बी नो यूज ऑफ दिस फ्रूट। नाउ कंज्यूमर, हु इज ए कंज्यूमर, अब ये उपभोक्ता कौन होता है। ए कंज्यूमर इज वन पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करता है वो है कंज्यूमर, मीन्स द पर्सन हु ईट्स फूड। अगर हम ये फ्रूट खा रहे हैं तो हम हो गए कंज्यूमर। सेम इन द सेम वे इफ वी हैव थर्स्ट एंड वी वांट टू ड्रिंक समथिंग एंड वी गेट जूस, इफ जूस कैन सेटिस्फाई अवर थर्स्ट देन इट मीन्स द जूस हैज यूटिलिटी टू सेटिस्फाई अवर वांट अवर थर्स्ट एंड व्हेन वी हैव ड्रिंक द जूस इट मीन्स वी हैव यूज्ड अप द यूटिलिटी ऑफ जूस। अगर हमारे पास जूस है और हमें प्यास लगी है, अगर जूस पी के हमारी प्यास बुझ सकती है तो हम कहेंगे कि जूस में उपयोगिता है कि हमारी प्यास को बुझा गए, और जब हम जूस पी लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने उसकी यूटिलिटी ख़त्म कर दी है, जो प्यास बुझाने की यूटिलिटी ख़त्म कर दी है। तो इफ वी ड्रिंक द जूस मीन्स वी आर कंज्यूमर। कंज्यूमर इज ऑल्सो ए पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज, एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है वो भी कंज्यूमर कंज्यूमर होता है। एंड ही मे बाई दीज गुड्स फॉर हिज ओन पर्पज और टू गिव इन हिज फैमिली और टू गिव टू हिज फ्रेंड्स। कंज्यूमर ऐसा व्यक्ति भी होता है जो खरीदता है, चाहे खुद के लिए खरीदे, चाहे फैमिली के लिए खरीदे, या अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए खरीदे, वो कंज्यूमर ही कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज प्रोडक्शन, उत्पादन। अगली जो क्रिया है वो उत्पादन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन ए गुड और सर्विसेज, मीन्स वी क्रिएट यूटिलिटी इन ए गुड। लाइक इफ देयर इज ए वुड, इफ देयर इज सम वुड एंड वन पर्सन मेक ए चेयर फ्रॉम इट, मीन्स चेयर हैज सम यूटिलिटी एंड वुड डजेंट हैव एनी यूटिलिटी। सेम वे इफ वी मेक ब्रिक्स फ्रॉम अर्थ इट मीन्स वी हैव चेंज द फॉर्म ऑफ अर्थ इन टू ब्रिक्स एंड ब्रिक्स कैन बी यूज, यूज मीन्स दीज आर यूजफुल, देयर इज यूटिलिटी। इफ एनी थिंग कैन बी यूज मीन्स इट हैज यूटिलिटी, अगर कोई भी चीज को हम यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब उसमें यूटिलिटी है। और उत्पादन क्या है, उत्पादन किसी वस्तु में यूटिलिटी के सृजन करने की क्रिया है। जैसे अगर मिट्टी है, मिट्टी में कोई भी उसकी उपयोगिता नहीं, लेकिन उसकी ब्रिक बना दे, ईंट बना दे, तो उसमें कुछ यूज आ जाएगा, घर बनाने के काम आ जाएगा। इन द सेम मैनर अगर हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी का ऐसे कोई यूज नहीं, लेकिन उसकी चेयर बना दे तो वो हमारे काम आ जाएगा, यानी उसमें यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, यानी उसमें उपयोगिता आ जाएगी। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन ए गुड और सर्विसेज इज नोन एज प्रोडक्शन। दिस इज वन डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है उत्पादन की। इसके अलावा दूसरी परिभाषा भी है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स, दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत या जिसके जरिए हम कच्ची सामग्री को प्रयोग करने वाली वस्तुओं में बदल सकें वो उत्पादन कहलाता है। नाउ हु इज ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इज ए पर्सन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू जनरेट इनकम। एनी पर्सन हु वांट्स टू जनरेट इनकम एंड टू जनरेट इनकम ही सेल्स सम गुड्स और सर्विसेज और ही मे प्रोड्यूसेस मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सम यूजफुल थिंग्स देन ही विल बी नोन एज प्रोड्यूसर। कोई भी व्यक्ति प्रोड्यूसर या उत्पादक ऐसा व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करता है या बेचता है। किस लिए बेचता है, उत्पादक करता है, इनकम बनाने के लिए। अगर कोई भी पर्सन आय करना चाहता है तो मार्केट से कोई सामान लेके आया, अपनी शॉप में बेचने लगा, तो वो होगा प्रोड्यूसर। और इफ ही
क्रिएट्स यूटिलिटी, या यूटिलिटी क्रिएट करता है, और ही कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल या जो कच्ची सामग्री को रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है यूजफुल थिंग्स में, उपयोगी वस्तुओं में, तो वो भी वो प्रोड्यूसर कहलाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सेविंग, बचत। सो व्हाट इज सेविंग? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, मीन्स विच वी हैव नॉट एक्सपेंड। सेविंग बचत हमारी आय का वो हिस्सा है जो हम खर्च नहीं करते हैं या उपभोग में नहीं खर्च करते हैं, वो हिस्सा बचत कहलाता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ सेविंग। सेविंग एस इक्वल टू वाई माइनस सी। हेयर एस एस डिनोट्स सेविंग, वाई वाई फॉर यील्ड और अर्निंग इनकम, वाई डिनोट्स इनकम, एंड सी इज कंसम्पशन। इनकम माइनस कंसम्पशन इक्वल टू सेविंग। एस का मतलब यहाँ पे है बचत, वाई का मतलब आय से, और सी का मतलब उपभोग से। आय माइनस उपभोग बराबर हो गया बचत। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स मींस और स्कार्स रिसोर्सेस टू फुलफिल हिज वांट्स। ऐसी कोई क्रिया जिसमें हम सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हैं जिसके जरिए हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। हियर व्हाट व्हाट डज मीन ऑफ स्कार्स मींस और स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज मींस आवर रिसोर्सेज आर ऑलवेज लेस देन आवर वांट्स, मींस आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स, मींस व्हाट एवर रिक्वायरमेंट वी हैव फॉर अवर मीन्स अवर रिसोर्सेज देज आर ऑलवेज लेस देन अवर वांट्स। देयर अवेलेबिलिटी इज लेस देन अवर वांट्स। यहाँ पे स्कार्स का मतलब है, स्कार्स मीन्स या स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब है जितनी मात्रा में हमें ये रिसोर्सेज चाहिए, जितनी आवश्यकता है उसकी अपेक्षा ये हमेशा कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, मनी मनी कैन बी ए रिसोर्स बाई विच वी कैन बाई मैनी थिंग्स, बट एट ए टाइम इफ यू हैव रुपीज 100, बाई दिस रुपीज 100 यू कैन बाई एनी वन थिंग फ्रॉम टी कॉफी फ्रूट्स फूड एटसेट्रा। ह्यूमन वांट्स आर unlimited, he wants to buy many things, he wants to have many things, but at one time he cannot buy everything। कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा चाहता है उसको बहुत सारी चीजें खरीद ले, अगर उसके पास 100 रुपया चाहेगा कि ये सामान हो जाए हमारे पास। कोई भी आदमी है उसके पास पैसा है नहीं रहता है, वो चाहता है कि उसका घर हो जाए बहुत बड़ा सा, गाड़ी हो जाए। एवरी पर्सन ड्रीम्स टू हैव मेनी थिंग्स बट ही कैन नॉट फुलफिल इट। वाई? बिकॉज ही हैज लेस रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स His money is less than what he is desiring. Resources here means money. यहाँ पे resource का मतलब हुआ money. हर व्यक्ति चाहता है उसके पास बहुत सारा कुछ हो जाए, लेकिन उसके पास सब कुछ नहीं हो सकता, वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। Even the richest person of on the earth cannot buy everything. यहाँ पे जो सबसे अमीर आदमी भी होगा वो भी सब कुछ नहीं खरीद सकता है, सब मतलब वो चाहे कि सब कुछ उसके पास हो जाए जो भी सोचे, तो ऐसा नहीं हो सकता। He always feels that he should have some more money so that we can do some more thing. हमेशा सोचता है कि उसके पास कुछ और मनी होता है तो वो कुछ ज़्यादा कर लेता। In the same manner, an economy also suffers from the shortage of resources, scarcity of resources. ऐसे ही इकोनॉमी में भी हमेशा रिसोर्स की कमी होती है। There may be a lot of money, a lot of GDP, value of GDP can be huge, but द इकोनॉमी ऑलवेज सॉर्ट्स ऑफ मनी। हमेशा अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ मनी की कमी रहती है। देयर आर ऑलवेज सम रिक्वायरमेंट डेट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था भी हमेशा सभी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती है। लाइक इन अवर कंट्री वी कैन नॉट बिल्ड रोड्स टू एनी वेयर। दे आर मेनी प्लेसेज वेयर रोड्स आर वेरी रफ। बहुत जगह पे ऐसे जो सड़कें हैं बिल्कुल रफ है। देयर इज प्रॉब्लम ऑफ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन की प्रॉब्लम है बट द गवर्नमेंट डजेंट हैव इनफ मनी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको अर्थव्यवस्था भी पूरी नहीं कर सकती है। सो देयर आर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी ईयर।
हमेशा हर जगह पे स्कार्सिटी है रिसोर्सेस की, आर्थिक जो जो भी हमारे संसाधन है वो हमेशा कम है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू यूज ऑफ दीज स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रिया वो क्रिया है जो इन स्कार्स रिसोर्सेज के यूज से संबंधित है, मतलब इन जो अभाव वाली संसाधनों की यूज से, प्रयोग से संबंधित है। नाउ व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मीन्स विदाउट पेइंग एनीथिंग इफ वी गेट समथिंग इट मीन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी रिसोर्स। अगर हमें बिना कुछ दिए ही कुछ मिल जा रहा है तो इसका मतलब हम कुछ रिसोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं। एंड जो भी बिना रिसोर्स को, स्कार्स रिसोर्स को यूज किए जो भी एक्टिविटी की जाती है वो सारी गैर आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। दीज एक्टिविटीज आर डन फॉर द पैट्रियटिज्म, फॉर सोशल सर्विस, फॉर लव एसेट्रा। ये जो गैर आर्थिक क्रियाएँ हैं वो समाज सेवा के लिए की जा सकती हैं, या देशभक्ति के लिए की जा सकती हैं, या प्रेम के लिए की जा सकती हैं, विदाउट द यूज ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फादर इंगेज ए ट्यूटर फॉर यू टू टीच ए सब्जेक्ट लाइक टू टीच इंग्लिश एंड ही पेज ए फीस ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ, मीन्स हेयर योर फादर इज स्पेंडिंग हिज रिसोर्स इज हिज स्कार्स रिसोर्स दैट इज मनी। यहाँ पे आपके पिताजी अगर आपको पढ़ाने के लिए ट्यूटर हायर करते हैं जो इंग्लिश की कोचिंग देगा, तो यहाँ पे 1,000 रुपया वो उसको फीस दे रहे हैं, तो ये जो पैसा है ये उनका स्कार्स रिसोर्स है। स्कार्स रिसोर्स मतलब ये उनका जो अभाव वाली जो संसाधन है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। बट इफ योर फादर हिमसेल्फ बिगिन्स टू टीच यू विदाउट टेकिंग एनी मनी, ही गिव्स हिज ओन टाइम एंड टीचेज यू, दैट मीन्स ही इज डूइंग दिस थिंग आउट ऑफ लव। अगर ये आपके पिता ये कोई ट्यूटर लगाने के बजाय वो क्या करते हैं, खुद ही पढ़ाना शुरू कर दें, आपको अपना टाइम दे और आपको पढ़ाना शुरू कर दें, जहाँ पे कोई भी मनी की एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब कि मॉनेटरी एक्टिविटी नहीं है, मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हुआ है, देन इट विल बी नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसे हम बोलेंगे गैर आर्थिक क्रिया, यहाँ पे कोई लेन देन रिसोर्सेस का यूज नहीं हुआ है। तो इन द सेम मैनर इफ एनी पर्सन गिव्स ऑम्स टू द पुअर फॉर सोशल सर्विस दैट विल ऑल्सो नॉट बी एडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट विल बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई भी जो व्यक्ति गरीबों को दान देता है तो भी वो गैर आर्थिक क्रिया में आएगा, क्योंकि बदले में उसको कुछ मिल नहीं रहा है, वो अपना दान दे दे रहा है, बदले में रिटर्न तो आ नहीं रहा है उसके पास कुछ। विदाउट द देयर इज ओनली वन साइड पेमेंट, एक ही साइड पेमेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। नाउ टुमारो आई विल स्टार्ट द सेकेंड लेक्चर। नो एंड प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो इन देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स और इन द फेसबुक एक्सेट्रा, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दीज लेक्चर्स।